देश सहित राजस्थान में हुए उपचुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं कर पाया और मायूस बैठे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में अपने प्रत्याशियों की जीत के साथ जोश और उल्लास का संचार हो गया। राजस्थान में 4 विधानसभा सीट्स पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। मिशन 25 की सफलता से अति उत्साहित भाजपा को मतदाताओं ने 8 महीने के कार्यकाल के दौरान लिए गए जन विरोधी फैसलों का उत्तर देकर आईना दिखा दिया। यहां 4 में से 3 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत का परचम फहराकर विधानसभा में अपनी गिनती बढ़ा ली। वहीं भाजपा को 1 सीट हासिल कर 3 सीट गंवानी पड़ी। नसीराबाद में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के रामनारायण गुर्जर ने भाजपा के सरिता देवी गैना को 386 मतों से पराजित कर दिया। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शुरू हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह देथा ने पर्यवेक्षक परवेज मलिक और पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौधरी के साथ मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं को देखा। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मतगणना संपन्न हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामनारायण को 66,648 और भाजपा की सरिता देवी गैना को 66,265 मत मिले। वहीं मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को नापसंद करते हुए 1,661 मत डाले। इसी तरह जागो पार्टी के मरहूम इदरिस मोहम्मद पठान को 1,469 और अखिल भारतीय आमजन पार्टी के विजय सिंह रावत को 792 मत प्राप्त हुए। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के 1,95,307 मतों में से 1,35,171 विधिमान्य मत रहे। एक मत निरस्त किया गया जबकि नोटा विकल्प को 1,661 मत मिले। बीच में हुआ है, लास्ट राउंड में कुछ गड़बड़ हुई है। हम आगे चल रहे थे और अचानक ही वो उन्होंने बोल दिया कि इतना अंतर आ ही नहीं सकता। आपने प्रोटेस्ट नहीं किया था उस वक्त? आप कंटिन्यूटी में चलने दिया आपने? हमें लगा कि शायद हमारे लिखने करने में या उसमें गलत आ रही है, तो इसका मतलब 100% गड़बड़ हुई है। पर ये नियम विरुद्ध हो रहा है पूरा? नहीं, कोई नियम बिल्कुल नियम। नसीराबाद विधानसभा सीट को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था। यहाँ मुकाबला कांटे का ही रहा जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी रामनारायण गुर्जर ने 386 मतों से जीत दर्ज की। कम मतों का अंतर होने के चलते भाजपा प्रत्याशी सरिता गैना ने रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद भी परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया। विजयी प्रत्याशी रामनारायण गुर्जर ने अपनी जीत को कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर ही कांग्रेस यहाँ विजयी हुई है, अब वे नसीराबाद क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नतीजे जो पूरे ही राजस्थान में आए हैं वो आपके सामने हैं और जो 9 महीने वसुंधरा सरकार ने कार्य किया था उसको पूरा नकारा है। साथ ही माननीय सचिन पायलट ने जो मेहनत की और जो डोर टू डोर उन्होंने पंचायत हेडक्वार्टर तक जाके सहयोग किया, इसी का नतीजा है। जो कार्य वसुंधरा सरकार के टाइम रुक गए थे उनको चालू कराना, साथ ही जो इन्होंने पेंशन रोक दी गरीबों की और जो बीपीएल को अनाज कम कर दिया था, इन सबको ही चालू कराना। पायलट साहब की कितनी सहभागिता मानते हैं आपकी जीत में? सचिन पायलट साहब की क्या भूमिका मानते हैं? पूरा राजस्थानी पायलट साहब ने जो कैंपेन किया है इलेक्शन में उन्हीं की जीत है। साथ ही जो माननीय गहलोत सरकार की योजनाएं थी वो वापस लोगों के दिमाग में आई कि वाकई वो योजनाएं बहुत ही अच्छी थी। जनता का जवाब है अच्छे दिनों के जो झूठ और कपट से जो बीजेपी ने राज खड़ा किया था उसमें जनता जवाब दे रही है। धीरे धीरे आपको सब सामने आ रहा है, बीजेपी की कलाई खुल रही है और नसीराबाद ने शुरुआत करी है। 100% भागीदारी पायलट साहब की है, पायलट साहब की भागीदारी ने, पायलट साहब के निर्णय ने ही कांग्रेस को जीत दिलाई है और ये जीत उनकी जीत है। कांग्रेस को प्रदेश भर में 3 सीट्स पर मिली अप्रत्याशित जीत से उत्साहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाते हुए शहर के कई चौराहों पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सबा खान के नेतृत्व में मदारगेट चौराहे पर जीत की खुशी में आतिशबाजी की गई। सबा खान और विपिन बैसिल ने बताया कि सत्ता के मद में चूर भाजपा को जनता ने करारा जवाब देकर यह एहसास करा दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता चाहे जिसको आसमान पर चढ़ा दे और चाहे जिसको जमीन पर गिरा दे।
आज जिस तरह राजस्थान के 4 विधानसभाओं के चुनाव हमारे सामने हुए और उनके जो आज परिणाम आए हैं उनमें से 3 कांग्रेस के खाते में आए हैं, इससे साबित होता है कि जनता को जो भ्रमित किया गया था, जो झूठे वादे किए गए थे जनता से, उसमें बीजेपी सरकार बिल्कुल सफल नहीं हो पाई है और जनता ने उनको असलियत का आज आईना दिखा दिया है। क्योंकि 3 विधानसभाओं पर जिस तरह शानदार जीत कांग्रेस की हुई है, ये आगामी आने वाले सरकार को गिरा करके वापस कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बनाएगी, यही आज इन्होंने संकेत दिया है। जनता ने इनको बता दिया है कि झूठे वादे करके, लंबी लंबी बातें करके दिल नहीं जीता जाता है, सच में काम करके ही दिल जीता जाता है। काम की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, ये जनता ने इस बार बीजेपी सरकार को बतला दिया है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, गुजरात के अंदर 4 सीटें जिस तरीके से गई है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो बीजेपी का शुरू हो चुका है उसका जनता ने करारा जवाब दिया है। बधाई के पात्र सचिन पायलट जी, बधाई के पात्र हैं राजस्थान व गुजरात की जनता, जिन्होंने ये बता दिया है कि वो जिस तरीके से परेशान हो गए थे 9 महीने के अंदर, कोई भी एक मेजर अचीवमेंट बीजेपी की सरकार नहीं दे पाई है, उसका ये जवाब है। इसी तरह पूर्व शहर अध्यक्ष जसराज जयपाल के निवास पर लंबे अरसे से राजनीतिक पटल से गायब रहे कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया और आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू हो गया। सभी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि पायलट के नेतृत्व में फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गत लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने झूठ बोल करके और एक प्रकार के इस तथ्य को सिद्ध करने की कोशिश की थी कि 100 दफा झूठ बोलो तो वह भी विशेष सच में परिवर्तित हो जाती है, और जो उन्होंने झूठा वातावरण फैलाया था अब लोग बाग उससे सतर्क हो गए हैं कि ये झूठे हैं, झूठ के अलावा इनके पास में कुछ नहीं। जिस प्रकार विकास की बात कही, वो विकास की बात भी कहीं दिखाई नहीं आती। कीमतें वो की वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती गई है, आज जीना भी वैसे गरीब आदमी का मुश्किल हो गया है।